इसे सोनिया वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 6, जो हम कर रहे हैं सीडीपी की प्रैक्टिस, उसमें टॉपिक नंबर 6 करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नेम हो जाता है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। जो ये क्वेश्चन हम करेंगे वो एज ए वन लाइनर करेंगे, ताकि फटाफट से हम क्वेश्चन को रिवाइज कर सकें। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? तो किया गया है जॉन डीवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय की उदाहरण है तो है प्रगतिशील विद्यालय। बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? तो गिज्जूभाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डैश शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रगतिशाली बालकों प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है तो बाल केंद्रित शिक्षा का। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से ही अवगत कराने पर जोर देना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? तो बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान दिया जाना। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा प्रेरणा के सिद्धांत। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बाल केंद्रीय शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009। क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये सभी। नंबर 1, भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा। नाउ सी पार्ट, यदि 6 से अधिक आयु का कोई बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सभी आ जाएंगे। तो ये जो हमने 19 क्वेश्चन किए वो इस चैप्टर पे बेस्ड थे। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं वो क्वेश्चन होंगे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। सो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक रूपों दोनों में। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित
लय विद्यालय के उदाहरण हैं तो प्रगतिशील विद्यालय। बाल केंद्रित कक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है तो जॉन डेवी। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। क्वेश्चन नंबर 24 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझातीय हैं। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है तो मानवीय। क्लियर ना, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलात्मक और तथा उनके भविष्य के कार्य में सहायक हों। ना मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 28 एक शिक्षार्थी केंद्रीय कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी क्या करेगी इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें विद्यार्थी या शिक्षार्थी अपने समय के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। बाल केंद्रीय कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उनमें शिक्षण के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी समय की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि का आशय है वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 33 शिक्षा का अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष अवस्था वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत अवस्थाओं की पूर्ति की जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।